क्योंकि जब तक आप अपने साथ ईमानदार नहीं होगे ना किसी के साथ, आप अपने साथ ईमानदार, ईमानदारी का मतलब ये है कि आपको आखिर में जवाब देना है, लाजमी देना सबको पता है, यू नो। आप लोग ये सोचो अगर मैंने अभी चीटिंग की ना, मैं आखिर में अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँ, अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँ, मैंने ये सोचा वो कसम बैठ में चीटिंग नहीं करूँ। हाँ मैंने एक सवाल एक सवाल और मुझे अभी तक अफसोस होता है, मैंने मैथ में नहीं की थी, फिजिक्स में और की थी लेकिन अपने और अल्टीमेट की थी, मैंने देखा बट हुआ क्या इस साल देखने वाली नहीं थी। फिर मैंने लास्ट टाइम में 76% आया था, मैं बहुत रोया था, मैंने इतनी मेहनत की तो मैं इतनी कम परसेंटेज में आई तो उसकी वजह से आई थी, और अल्लाह ताला ने सबकी ठीक होती मैं और गया था, यानी कि हमें अल्लाह ताला से अल्लाह ताला जो करते हैं उससे राजी नहीं कि मैं पापा की अल्लाह ने मुझे हर हाल में मुझे सीरियस भी देखा मैं आज तो मुझे सीरियस भी देखा मैं आज। हाँ तकलीफ होती है क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए पानी की चौक एक बार होती पानी की चौक लग जाती है एकदम खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है नकली होते हैं इनमें कभी अफसोस मत करो, नहीं पोजिशन असल रिजल्ट ये कि हाथ से कोई आया और तुम्हारा वाइवल है, जैसे मैं आया मैंने आपका वाइवल ले लिया एकदम, तुम बताओ तुम बताओ, तो ये होता है वहाँ पता चलता है कौन सा बच्चा कैसा है। और हाँ फोर्थ और लास्ट वो नादीदा कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस अच्छा करो। अब मेहनत वाले का कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं आके बोलूँ आपके सामने, मेहनत काम था वो हमें काम नहीं करता, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, एक लेक्चर दे रहा हूँ, हर टाइम एक नई चीज सिखाता हूँ। मैं भी किसी को प्रेजेंटेशन के लिए बुला लूँ ना, आओ प्रेजेंटेशन दो सबके दांत को पका लेंगे, चाहे बॉय चाहे गर्ल। चामुनी बाप देखकर आप जब भी ज़्यादा सीने में हाथ लगा रहे हो ना, दुनिया का काम एक ही हंसना सामा, दुनिया का एक ही काम है हंसना, हंसेंगे तो बोलो हम कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, वो भी गिरा देते हैं, इग्नोर करो जिंदगी का एक नाम ही इग्नोर। और जिस अपोलोजाइज 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 का मतलब माफ करना, जब आपने जिस दिन अपोलोजाइज किया ना आपका हमने हर कभी हर किसी को माफ करो, माफ करो बस इग्नोर करो, दरगुजर कर दो सही बात को। मैं ये बता दूँ इसको मतलब मैं आया तो बहुत से हादसा आप लोगों ने देखे होंगे, अपोलोजाइज किया माफ किया इग्नोर किया माफी, और आपको तो हर टाइम किसी ना किसी से कुछ सीखना चाहिए, उससे नहीं जो मैं तो किसी ना किसी से सीखना चाहिए, आपके माँ बाप या अम्मी अम्मी की लड़ाई हो जाती है इसमें इग्नोर इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं ये कहता हूँ ठीक है, और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, पानी पिला बाकी कोई चीज़ देखिए अल्लाह पे यकीन करो, बस लास्ट में आप पढ़ने बिलीव अल्लाह पे करो किसी पे ठीक है। आपने अगर पैसे देकर अपनी पोजिशन बढ़ा दी थी ना, मैंने ए वन आया फॉर एग्जाम्पल, मैंने 40,000 देकर मैं 90% कर दिया कर नहीं, लेकिन अब आ गया तो मुझसे किसने सवाल पूछा मुझे नहीं आया तो डायरेक्ट ये पूछे तुमने 90% लिए लेकिन कैसे लिए, और अभी 50% आई है कोई जगह आ गई, कोई मुझसे सवाल पूछेगा मुझे नहीं आया तो वो मुझसे मुझे डांटेगा नहीं, तो इसकी तारीख 40-50% आएगी, वो मुझसे सवाल भी नहीं पूछेगा, बोला इसकी तो यही 50% क्या सवाल पूछूंगा, सही बात है। और दुनिया में जितने आपने बाढ़ पिक्चर्स देखी होंगी, जितने भी साइंटिस की पिक्चर देखी हैं वो कोई नर्सिंग क्लास से एवं थी, उनको नर्सिंग क्लास में सी लिखना भी नहीं आता था, उल्टा लिखते थे उसको लेसन प्लान में नहीं आता था। आइज़ैक न्यूटन को देख लो, और वो क्या है साइंटिस्ट हैं मेहनत, वो पोजिशन के चक्कर में नहीं थे, उन्होंने कोई नई चीज़ देखी ये कैसे जाती है बस लग गए, मैथ में था कि मैथ ना कोई प्रैक्टिकल करने वाली है ना बस सोचने वाला, समझ आता उसमें जाओ परफेक्ट बनो।
यहाँ से दुनिया में यहाँ से बेटा बेटा यहाँ से आता है कंफ्यूजन की दुनिया में मैं डेट वो देख रहा हूँ कि नहीं कि मतलब जो सर चार्ज जैसे प्रवाह आप दूसरी लैंग्वेज है वो है ना अब सर हमें इंग्लिश सिखाते हैं अब एक लाइन में जो सिखाया आप एक लाइन में नहीं चेंज करो यानी पैसे पैसे को इंग्लिश में ऐसे को दे इनको मैं अपनी भी तो बनाऊं यार तीन दफा आगे लगे आगे जाकर तो सही होगा ना कभी 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 ना कभी सही होगा ना जिंदगी में एक दो बार तो सही होगा ताकि आप बोलो थैंक यू सो मच एंड गुड लक हर टाइम के लिए अल्लाह करिएगा अल्लाह करिएगा वेलकम सर तालियां